11 वर्षों से पाकिस्तान में रहने को मजबूर भारत की बेटी गीता सोमवार को अपने देश वापस तो आ गई, लेकिन उसके माँ बाप कौन हैं और वो किस शहर की रहने वाली है, ये गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है। यूपी के प्रतापगढ़ का जो परिवार गीता को अपनी बेटी होने का दावा कर रहा था, जिसे टीवी पर देखने के बाद उसने अपने दावे को फिर से दोहराया और बेटी से मिलने और उसे हासिल करने के लिए इलाहाबाद आकर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस परिवार का कहना है कि गीता सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बेटी है, सरकार चाहे डीएनए टेस्ट करा ले या फिर गीता से आमना सामना करा दे। दरअसल प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील के रहने वाले किसान रामराज और उनकी पत्नी अनारा देवी की एक बेटी सविता नवंबर 2004 में बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन के बाहर से गायब हो गई थी। जो बच्ची गायब हुई वो भी ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। 2004 में लापता होने के वक्त सविता करीब 9 साल की थी। कुछ महीने पहले जब गीता की तस्वीरें मीडिया में सामने आई तो गाँव के लोगों ने भी रामराज को इसकी जानकारी दी। रामराज और उनकी पत्नी अनारा ने भी तस्वीरों के आधार पर इसे अपनी गुमशुदा बेटी सविता के तौर पर पहचाना। यही नहीं, इस परिवार का दावा है कि एक टीवी चैनल के लाइव शो में गीता ने उन्हें पहचान भी लिया था।